यीशु मसीह इस धरती में आया था मेरी और आपकी पापों के लिए अपने आप को कुर्बान देने के लिए। बहुत बार हम साल में पूरा बैठते चर्च में प्रचार बहुत सुनते हैं, एंड ऑफ द डे हम भूल जाते हैं यीशु ने आपकी पापों के लिए मरा। हम भूल जाते हैं ना, बहुत बार हम फाइनेंस के बारे में सीखते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी समझते हैं, सब चीज़ भूलते हैं और 4-5 साल होता है मसीह में, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह क्यों आया, हम क्यों प्रभु में आया, वो भी चीज़ कभी कभार भूल जाते हैं। उसकी डेथ को हम भूल जाते हैं, बहुत बार पाप को भूल जाते हैं, पाप भरा हुआ दिन को भूल जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है। बहुत बार जब मैं जवानों को बोलता हूँ भाई पाप तेरा पीछा करे, हम मरने के बाद भी एक चीज़ हमारा पीछे करता है, क्या है? पाप तो पीछा करेगा, है तो आपकी आने वाले पीढ़ी उसकी फल झेलेंगे। जब जवानों को बहुत बार बोलते हैं वो लोग बोलेंगे मेरे साथ तो बहुत साल है जी, अब लास्ट में जाके तौबा करूँगा। एक 20 साल का लड़का 80 में मरेंगे, सोचो कितने में, 80 में एवरेज लाइफ है 75-80, वो बोलेगा मेरे पास तो 60 साल है। कितने दिन है आप जानते हो? एक साल में कितने दिन है? इंटू 60 21,900, कितना आपका तो 60 साल के बंदा भी ऑलरेडी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, 20 साल हो रहे मेरे पास तो 6,000 दिन है। जवान लोग 21,900 दिन है, आप अगर 20 में हो है तो, आप 50 में हो 40 में हो तो लगा दो 10-12,000 दिन हो रहा है, ऐसे ऐसे खत्म होगा। हमें 2000 सुनने का टाइम अभी भी लगता है, 2000 अभी था बट 21 साल पीछे था, 2000 साल जो 2000 जो थे अभी वो 21 साल हो गया। पाप मेरा और आपके पीछा करेगा। यीशु मसीह क्यों आए इस धरती में? टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा आपके और मेरे पास, तौबा करके खुदावंद के पीछे चलो, नहीं तो पाप पीछे करेगा।